अगर कोई भी मुख्यमंत्री 70% दिया गया मतलब किसान के इसकी बात है अगर खत्म हो गया था तो बात है भाजपा कह दे रहे अरे भाई कर्जा माफ कर दो कर्जा माफ कर दो हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कर्जा माफ कर दो हमारे मुख्यमंत्री ने एक बात की है जल्दी मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव घोषित हो सकते हैं उसको देखते हुए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है और सभी मंत्रियों को लगभग 6-7 स्थान 5-6-7 स्थान दिए हैं क्योंकि वहां जाके प्रवास करेंगे तो उसी में उनने भी आज प्रवास कराया यहाँ और इसमें ज्यादातर कार्यकर्ताओं के साथ मिलना उनके साथ बातचीत करना इस प्रकार का कार्यक्रम रखे हैं। देखिए पंचायत के चुनाव में एक समस्या आई हमने परिवर्तन किया वो परिवर्तन एक अलग टाइप का परिवर्तन हमने कहा कि महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देनी हमने आरक्षण लिया और गोरक्षण देने 50% हिस्सेदारी 50% में महिलाएं चुनाव लड़ेंगी 50% में पुरुष लड़ेंगे अगली बार होंगी कि 50% में महिलाएं 50% में पुरुष चुनाव लड़ेंगे। अब किसी ने उस बात पर एक केस कोर्ट में कर दिया आसी क्यों तो हमने उसको आरक्षण दिया कि वो आरक्षण है 50% हिस्सेदारी गया उसको कोई हिस्सेदारी है अगर 50 में महिला है 50 कोर्ट उसमें क्या फैसला देता है उसकी बात है इसलिए चुनाव को रद्द करने के लिए नहीं सर यहाँ पे कहा गया है कि पिछले एक साल से क्या और दे दी कि हम तो 8,000 रूपये महीना उनको देंगे जिसमें वो कोई भी सफाई कर्मचारी या इस प्रकार का सहयोग रख सकते हैं रख सकते हैं उनको पावर हमने उनको दे दी लेकिन जहां तक टीचरों की है टीचरों की भर्ती करनी पड़ी वो उसी से ही पूरी होगी एक बात और आने के बाद जिस प्रकार से मेरे मित्र चार प्रोग्राम में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और कार्यकर्ताओं में हम तो उत्साह देने के लिए आए थे मुझे लगा कि उत्साह तो पहले ही है और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो सरकार ने काम किए जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम किए और सुधार के काम किए उससे काफी पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में जो मतलब स्थानीय निकाय के जो है विजय हासिल करेंगे तो मंत्री जी यहाँ पर जैसे मंत्री जी 134 में जो अमेंडमेंट हुई है लेकिन वो डीओ के द्वारा स्कूल्स तक नहीं पहुंची है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं 134 में कोई अमेंडमेंट नहीं किया 134 हमने समाप्त किया। हाँ जी 134 का कोई अस्तित्व आज नहीं है और एक टाइम में एक ही लगेगा 134 ये लगेगा या आरटीई लगेगा हमने आरटीई को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसमें फायदा था उसमें 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते थे दूसरा उसमें केंद्र सरकार से हमें 60% पैसा भी मिलेगा इसलिए हमने आरटीई को लागू किया जो आप कह रहे वो हमने निर्णय लिया क्योंकि आरटीई में पहली क्लास में डिवीजन लगाया और वो ऐसा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे लगभग वो 8 साल में पूरा होगा जब 8वीं बच्चों को 8 साल लगेंगे तो उसके बाद हमने विचार किया कि जो बच्चे अभी दूसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हैं उनके लिए अभी क्या व्यवस्था की जा सकती है उसके लिए हमने प्रयास किया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके साथ बातचीत करेंगे और जो फीस हम पहले दे रहे थे उसको हमने लगभग डबल कर दिया जैसे जहां पहले 300 दे रहे थे उसको हमने बढ़ा के 700 कर दिया जहां पहले 500 दे रहे थे उसको बढ़ा के हमने 900 कर दिया जहां 700 दे रहे थे उसको बढ़ा के हमने 1100 अब हम बातचीत के साथ उन बच्चों के जो एडमिशन लेना चाहते हैं टेस्ट ले रहे हैं एडमिशन कराने का काम करेंगे उसका लेटर जारी हो चुका है और क्योंकि मेरा बयान पहले आ रहा था तो चर्चा में जा रहा था और जो प्रक्रिया है